पहले मैंने कैमरा रख लिया है, ढंग से पकड़ लिया है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मिलने बंदर मामा से। हेलो बंदर मामा, हाउ आर यू, कैसे हो? आज इनके लिए लाया हूँ कुछ, और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के अंदर सब डरपोक हैं, मतलब हम सब डरपोक हैं, मास्क लगा रखा है। आज ही मैसेज आया था सुबह सुबह, मास्क लगाना मैंडेटरी हो गया है, कोरोना बढ़ रहा है, तो देखो हम डरपोक का हमने लगाना शुरू कर दिया, ताकि 500 रुपये सलाम न कर दे। हेलो हाय, चुई चुई क्यों कर पा रहे? हाय टेक कम, हेलो, कोई हाथ ही नहीं मिला रहा। हेलो हेलो, दे रहा हूँ देख। हे यू आर लकी, तीन तीन मिल गया, बूम। देखो गाइस, इसके गर्दन में यहाँ पे लटका पड़ा है केला। वो वहाँ चला गया खाने, कोई और है? हे कम कम, उन लोगों का पेट भरा हुआ है इसीलिए इधर नहीं आ रहे। मैंने कैमरे को अच्छे से पकड़ रखा है कि कैमरा लेके ना भाग जाए। वैसे अच्छे वाले बंदर है, कैमरा लेके नहीं भाग रहे, नहीं तो उससे करे। हेलो, आपका ख़त्म हो गया, ये लो। ठीक, आप लोग सैलरी डे पे क्या करते हैं जब आपको सैलरी मिलती है? तो मैं तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ अपने कैपेसिटी में। हाय, डर क्यों रहा है भाई? कम, हेलो, हाथ नहीं मिला रहा। हेलो हेलो हेलो, टेक यू वन मोर, टेक बाय बाय। अब मैं चला ऑफिस के लिए। ऑफिस में, ऑफिस जब भी जाता था ना, तो इधर मैं देखता था बहुत सारे बंदरों को, तो मैंने सोचा बंदर मामा के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे अभी तो मास्क उतार लेता हूँ, अभी इधर पुलिस नहीं है, साथ में ही पुलिस स्टेशन है, लेकिन उधर जाने से पहले मैं मास्क लगा लूँगा, नहीं तो मेरी कट जाएगी चलान। कैसा लग रहा मैं? ठीक ठाक ही लग रहा हूँ। ये शीशे ने हेलमेट पहन रखा है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना? वैसे हेलमेट कैसा है? अच्छा है ना, सब तारीफ करते हैं। वैसे हेलमेट अच्छा है, नेपाल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, जब मैं ऊपर से गिर गया था, कुछ नहीं हुआ, इसने बचा लिया। इधर लगा था हल्का सा, बट हेलमेट को भी कुछ नहीं हुआ, टूटा भी नहीं, और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। चलो मिलते हैं रास्ते में। गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्ते खेले जा रहे हैं। ऊपर में देखो कितना मोटा करंट जा रहा है, मोटा करंट जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अभी ऑफिस में। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करना है। एक्चुअली आज हुआ क्या था, जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरे बाइक की एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट बड़ा फिल्मी तरीके से हुआ। अगर मेरे पास गोप्रो लगा होता, हेलमेट पे या फिर यहाँ चेस्ट पे, तो बहुत अच्छा सीन देखने को मिलता। हुआ ऐसे मैं नरेट कर देता हूँ, और मैं कोई ऐसा फ़ोटो डाल दूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए कैसा एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली। पुलिस वाले आज यहाँ पे एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो गया, मेरे बाइक का भी एक्सीडेंट हो गया था। ये टूट गया, पीछे से कार वाले ने ठोक दिया, जबकि बाइक बिल्कुल स्लो थी और कार वाला स्टेशन से गया था। हालांकि कुछ हुआ नहीं, आगे वाले बाइक को लगा, तो भी कुछ नहीं हो गया। इधर भी एक्सीडेंट हुआ लगातार बाइक पर, ये बाइक का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। I don't know.
ग्रामीण सेवा होता है ना, वो बीच सड़क पे रोक लिया, पीछे से पानी का टैंक जा रहा, तो उसने बिल्कुल तेज ब्रेक लिया, घिस के वो आगे गया। उसके पीछे एक कार थी, उससे पीछे बाइक था, और उससे पीछे मैं था। मैंने जैसे ही ब्रेक लिया, आगे वाले सब ने ब्रेक लिया, जैसे मैंने ब्रेक लिया पीछे से एक गाड़ी आई बहुत तेज़ी, और वो हिट कर दिया मेरी बाइक को। मेरी बाइक हिट करते हुए दूसरी बाइक को हिट की, उसका जो लेफ्ट का इंडिकेटर होता है ना वो टूट गया। वैसे कुछ हुआ नहीं, मुझे भी नहीं लगा, बाइक को लगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं रहा बाइक का कुछ टूटा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है ये तो कुछ भी नहीं। एक बार ट्रक ने ठोक दिया मेरे बाइक को, और बिल्कुल मैं यू टर्न ले रहा था और रुका हुआ था मैं, पीछे से एक ट्रक आई और पीछे ठोक दिया। उस समय भी कुछ नहीं हुआ, लाइक हम लोग थोड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं, डिवाइनली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहते हैं। आई नो कि एक्सीडेंट हमारा कोई हार्म नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक अगर लॉजिक से देखें ना, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। जो कार वाला था, मैंने कहा बहुत अच्छा किया। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे स्पीड चलाने का कोई मायने ही नहीं था, रेड लाइट पे थे हम, ट्रैफिक लाइट पे, उसको जस्ट ग्रीन हुआ ही था, और जस्ट थोड़ी दूर हम चले ही थे, थोड़ी दूर मतलब जस्ट हमने लाइक एक्सीलेटर देते ना, एक्सीलेटर थोड़ा सा आगे बढ़ा, कितना कह सकता हूँ मैं, लगभग 5 से 10 मीटर इतना ही दूर आया होगा। और इतने दूर में सोचो उसने कितना स्पीड कर लिया कि मतलब वो ब्रेक लेते लेते उसने ठोक दिया, क्योंकि डिस्टेंस में था इतना। फिर भी एक तो गाड़ी वालों को ज़रा सा भी पेशेंस नहीं होता, अंदर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, फिर भी पेशेंस नहीं होता, भगा रहे होते हैं, भाई अगर तुम्हें जल्दी जाना है ना, 1 घंटे पहले घर से बाहर निकला करो, नहीं तो हम जैसे बंदे किसी दिन मुड़ लिया, कभी मुड में मिले ना तो बढ़िया से फोड़ फाड़ देंगे तुम्हें। फिर ये मत कहना कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, गाड़ी में आग लगा देंगे, पहले बता रहा। एक बार ऐसे ही हुआ जब मैं फ्लाईओवर पर जा रहा था गाड़ी से, बिल्कुल जाम था, बिल्कुल जाम, थोड़ा सा आगे किया, जस्ट थोड़ा सा आगे किया, फिर दिखना था क्योंकि पूरा जाम था, ठीक है, करीब आधे घंटे का जाम था। पीछे से एक गाड़ी आई बिल्कुल स्पीड पे, जाम में क्या स्पीड चला सकते, पीछे से आई और हिट कर दिया मेरी कार को, और वो भी गधा का बच्चा ऐसा ही कि उसने हिट भी कर दिया, कह रहा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने ब्रेक लिया, मतलब कि ट्रैफिक में मेरी क्या गलती है, अगर मैं स्लो जा रहा हूँ इसमें मेरी क्या गलती है, ट्रैफिक में तो वैसे ही रुकना है। ट्रैफिक इतना है कि आधा घंटा में एक फ्लाईओवर क्लियर हो रहा है, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अभी मैं आपको अपनी बाइक दिखाऊंगा, उसका जो आगे का इंडिकेटर लाइट है वो टूटा हुआ है, थोड़ा सा मैंने शूट किया था वहाँ पे, क्योंकि GoPro निकालने का इतना मौका नहीं मिला, और मैंने वहाँ से थोड़ा सा जैसे ही आगे द्वारका सेक्टर 1 का जो रेड लाइट है वहाँ से जैसे थोड़ा आगे गया, वहाँ बाइकर्स वगैरह घूम रहे थे, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर तो 3-4 बाइकर्स थे, तो खैर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा नहीं दिया। मैं भी सोच रहा था क्या ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बाइकर्स का किसका क्या गलती था कोई बताने को राजी नहीं था, और वो बंदा ये कह रहा था जिसका एक्सीडेंट हुआ, तुम लोग क्या तमाशा बना रहे हो। मैंने कहा यार इसके तमाशा देखने से अच्छा है कि अपने ऑफिस भागो, यहाँ क्या ही करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर ऑफिस में हूँ और पहुँच गया हूँ, और मेरे को दिल्ली से गुड़गांव आना पड़ता है, करीब 40 किलोमीटर एवरी डे, अभी 50 किलोमीटर भी हो जाता है तो आना जाना 100 किलोमीटर के करीब हो जाता है बाइक से। तो ये मेरे लिए तो थोड़ा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा चलाते हैं और डेंजरस भी, और अब तक मैं 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, बट थैंक गॉड मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी खरोच नहीं आई है। मैं क्या ही कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको दिखाता हूँ ऑफिस में, यहाँ पे आज बाहर लगा है ऑफिस के अंदर बाहर, यहाँ तो दारू मिलेगा नहीं, दिल्ली में आपको भी दिखाऊँगा थोड़ी देर वीडियो में। ऑफिस के बाहर देखो गाइस क्या ऑसम ऑसम गाड़ियाँ आ रही हैं, देख रहे हो, ये हरियाणा से है बेंटली, ये है चंडीगढ़ से, वो है दिल्ली से BMW, और वो है शायद मैं जगुआर, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। और अभी और सारी गाड़ी आ रही है जो कि धांसू गाड़ी है। आई डोंट नो मेरे ऑफिस में आज कितना बड़ा पार्टी होने वाला है, क्या होने वाला है। और दिस इज संडे बेबी बेंटली, ऑल स्पोर्ट्स कार आर हियर। Yeah.
सारे मैं जल्दी से